नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आपका अपने YouTube चैनल गाइड्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने निम्न हिमालय और मध्य हिमालय के बीच यानी कि उसके बारे में पढ़ा, जो उनके बीच जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं शिवालिक पीर पंजाल धौलाधार उनके बारे में पढ़ा। आज हम बृहद हिमालय के बारे में जानकारी आपको देंगे। बृहद हिमालय की ऊंचाई 5500 मीटर से ऊपर मानी जाती है। यहां पर वर्षा बहुत कम होती है। अब इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं भारत के मैप की तरफ, क्योंकि भारत में जो वर्षा बरसात के दिनों में वर्षा होती है वो होती है अरब सागर से आने वाली पवनों की वजह से, जिन उस मानसून को हम बोलते हैं कौन सा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो भारत में वर्षा किस वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। पर ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जैसे ही हिमालय पर्वत में हिमाचल में प्रवेश करती है तो कच्छल से आगे ये मानसून आगे बढ़ नहीं पाती, कमजोर हो जाती है, तो उससे आगे वर्षा बहुत कम होती है। तो इसी कारण जो ऊपर वाला हिमालय है, मध्य हिमालय से ऊपर मतलब महान हिमालय बृहद हिमालय, वहां पर वार्षिक वर्षा ना के बराबर होती है। यही कारण है कि स्पीति में, हिमाचल के किस क्षेत्र में, स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र को हम अल्पाइन क्षेत्र भी बोलते हैं, जो बृहद हिमालय का क्षेत्र है इसे अल्पाइन क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसमें जो प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी है वो जास्कर पर्वत श्रेणी, वो भी स्थित है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसी पर्वत श्रेणी से होकर हिमाचल में सतलुज नदी प्रवेश करती है। और सतलुज नदी कहां प्रवेश करती है, तो सतलुज नदी शिपकी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। जास्कर श्रेणी की प्रसिद्ध चोटियां शिला, जो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिला, उसकी ऊंचाई 7025 मीटर है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। दूसरी प्रसिद्ध चोटी फलयोर, जिसकी ऊंचाई 6791 मीटर है, वो भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। साथ ही साथ में एक और चोटी किन्नर कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6500 मीटर है, ये भी हमारे बृहद हिमालय मतलब जास्कर में स्थित है। और ये जास्कर श्रृंखला मेनली कहां पाई जाती है, तो जास्कर श्रृंखला पांगी लाहौल स्पीति और किन्नौर के क्षेत्रों में पाई जाती है। जास्कर श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जो भारत को तिब्बत से अलग करती है। मींस जास्कर श्रृंखला क्या है, जास्कर श्रृंखला तिब्बत और भारत के बीच में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। इस चीज को समझने के लिए हम देखते हैं, अगर मेरी चोटी ऐसी है तो चोटी ऐसे ही बढ़ती हुई आई होगी, तो इस चोटी का जल इस साइड को नीचे गिरेगा, ये इंडिया है, इस साइड तिब्बत है। तो ये जो जल है, ये जो पानी आ रहा है इकट्ठा होके, ये जल तिब्बत और भारत के बीच में सीमा बनाएगा, हिमाचल और तिब्बत के बीच में सीमा बनाता है। तो कौन सी श्रृंखला हिमाचल और तिब्बत के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है, वो है जास्कर श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला से निकलने वाला जल। ये था हमारा बृहद हिमालय के बारे में। आशा करता हूं आपको मेरे इन पर्वत श्रृंखलाओं के वीडियो में कुछ ना कुछ मिला होगा जो आपके जो भी आप एग्जाम देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।